Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Okay, so this is very important to realize. You are very close to success, so keep going. Okay, so with this we are doing CSIR के SOSO का जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस आए हैं 5th of Feb से 15th of Feb 2024 जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखने वाले हैं इधर. ओके एंड हम देखते रहेंगे क्वेश्चंस. 20th तक हैं एग्जाम, तो तब तक जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हम ओनली क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, हम साथ में जो उसके पॉसिबल और क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड वो साथ ही इनके आंसर्स कहाँ से लिए गए हैं वो काफ़ी डिटेल में देखेंगे सब कुछ. साथ ही अब मैं दिखा भी दूंगा आपको करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन. हमारी जो मैगजीन है एनुअल जो है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, और इसमें जनवरी 2023 टू 2nd of January 2024 ओके तब तक के करंट अफेयर्स हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दी व्हाट्सएप नंबर जो एड में आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर इसमें, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट दिस बुक. काफ़ी पेज उसमें आप एक्सेस कर सकते हो. इसमें भी मैं दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, पर बहुत सारा आया है तो सबके स्क्रीनशॉट लेके मैं ऑब्वियसली नहीं डाल सकता, आपको दिख जाएंगे. ओके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट क्वेश्चन से. सो इंडियाज रैंक एंड टोटल मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023. ओके सो ऑब्वियस है बहुत एशियन गेम्स हुए हैं 2023 में, तो बहुत इससे क्वेश्चन आना नॉर्मल है. सो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. ऑल दो दी मेडल्स वर 107, इंडिया का 4th रैंक था एंड टोटल मेडल्स वर 107. अभी आगे डिटेल में देखते हैं एशियन गेम्स के बारे में. ओके फरक्का ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आया है. कहाँ पे है तो अपने इंडिया में. ओके कहाँ गंगा किसके बीच में, सो इसके बारे में डिटेल में भी देखेंगे. ये 2 शिफ्ट में आ चुका है. ठीक है 2 में आ गया, एक में रिवर पूछा है किस पे है, एक में पूछा कंट्रीज जिसके बीच में साइन हुआ ट्रीटी. तो इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक एक बार आ गया उसी से या तो कुछ और या फिर उसके जो आसपास की चीज़ें हैं वो, तभी विल बी एबल टू मेंटेन दी जो भी उसका टफ है टफनेस एग्जाम का, वरना नहीं हो पाएगा. सो राइट टू प्रॉपर्टी इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी यूज टू बी अ व्हाट फंडामेंटल राइट एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट. अभी हम देखेंगे पॉलिटी में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, पूरी प्लेलिस्ट है जो आपको मिल जाएगी पॉलिटी की, उसमें सारा डिस्कस हुआ हुआ है स्टार्टिंग से एंड तक 15 वीडियोस में सब कुछ पॉलिटी आपका पूरा कंप्लीट इन एग्जाम्स के लिए. ओके सो लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है 300A के अंदर है अब राइट टू प्रॉपर्टी, अर्लियर इट यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट. और क्या क्या फंडामेंटल राइट है, अब अगर राइट से क्वेश्चन आए तो फंडामेंटल राइट्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट, अभी देखेंगे आगे हम. हर क्वेश्चन की स्लाइड के बाद हम पॉसिबल क्वेश्चंस और इनके आंसर्स देखेंगे डिटेल में. नाउ वेन्यू ऑफ आदि महोत्सव 2023 कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली. 74th अमेंडमेंट एक्ट इज अबाउट व्हाट, 74th इफ यू नो द आंसर आप कमेंट सेक्शन बताओ, वरना आगे हम देखते हैं. अभी 73rd एंड 74th बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एशियन गेम्स 2023 जिसकी हमने बात की थी कुछ उसके बारे में देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी है उसी से क्वेश्चन आने की. सो द 19th एशियन गेम्स ऑफ 2022, ये 2022 के एशियन गेम्स थे विच टुक प्लेस इन द ईयर 2023. ओके नॉट टुक प्लेस कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ, हैंगझोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, आपको क्या नाम रखना है हैंगझोउ, यहाँ पे हुआ कहाँ पे, चाइना में. ओके नाउ इस स्टेडियम को और क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड बिग लोटस. ओके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने डाल दिए हैं. बिग लोटस कहते हैं, नाम क्या है, हैंगझोउ ओलंपिक सेंटर स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम कहाँ पे, चाइना में, और क्या कहते हैं बिग लोटस. हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश वॉज इंडियाज फ्लैग बेयरर एट द परेड ऑफ एथलीट्स. ठीक है परेड में कौन फ्लैग बेयरर थे, PR श्रीजेश. नाउ इंडिया फिनिश देयर एशियन गेम्स 2023 कैंपेन विद अ रिकॉर्ड कितना, ऑल ऑफ 107.
जिसमें से 28 गोल्ड, विच इज अ वेरी बिग नंबर फॉर अस, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। दिस सरपास इंडियाज प्रीवियस रिकॉर्ड टैली अचीव एट द लास्ट एडिशन, जो कि जकार्ता में हुआ था 2018 में, जिसमें क्या था, अ 570 स्ट्रॉन्ग इंडियन स्क्वाड, कितना आया, 70 मेडल्स, 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज, जो पहली की लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस थी दैट वाज इन जकार्ता 2018 में, 70 मेडल्स वर देयर। दिस ईयर 107 मेडल्स, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो याद रखना है 107 मेडल्स, ये भी याद रख लो थोड़ा सा, 28, 38, 41। ओके, 28 प्लस 10 38, 38 के आगे 41। नाउ इंडिया बिकेम दी ओनली फोर्थ कंट्री आफ्टर चाइना, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो मैंने बताया फोर्थ नंबर, टू विन 100 और मोर मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। उसके बाद जो कंट्रीज हैं उनके लेस देन 100 है टोटल नंबर ऑफ मेडल, ठीक है, मेडल टैली जो है, पर ज़्यादा किसके हैं, चाइना, जापान, कोरिया। CJKI, ठीक है, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड इंडिया। इनके भी अलग से देखने का गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज नो सेंस नहीं आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग्स आर इंपॉर्टेंट, टोटल मेडल 107, इंडिया क्या है, इंडिया का यू कैन रिमेम्बर 28, 38, 41, एंड चाइना में हुआ, हंगझो में हुआ, 19th एडिशन था एशियन गेम्स का। नाउ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज मेमोरीज ऑफ जियांगनान, क्या ये मैस्कट ऑफ द 19th एशियन गेम्स हंगझो में जो हुए उनका, कंपोज ऑफ किस किस से बना है, शेनशेन, कोंगकोंग एंड लियन लियन, आर डीपली लव्ड बाय नेटिजंस एंड आर नोन एज द थ्री लिटिल वंस। ठीक है, सो मेमोरीज ऑफ जियांगनान ये याद रखना है मैस्कट का, और ये चैनचैन, कोंगकोंग एंड लियान लियान, याद रहेगा दो वर्ड्स जिन्हें बार बार रिपीट किया गया है, चैनचैन, कोंगकोंग एंड लियान लियान। बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये मेमोरीज ऑफ जियांगनान, पहले आया है एग्जाम में, तो मेमोरीज ऑफ जियांगनान, मैस्कट ऑफ 19th एशियन गेम्स, जो कि 2022 के थे बट टू प्लेस इन द ईयर 23। नाउ जो हम बात कर रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी, ओके, जो पॉलिटी है उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है सारे, अभी मैंने बस आसपास के लिए हैं, ओके, वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यू कैन वॉच दी पॉलिटी के जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, एफ कैट 2024 नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें यू विल गेट ऑल दी 15 वीडियोज, सीक्वेंस में सारे डल गए हैं कंप्लीट, कुछ बचेगा नहीं आपका फिर पॉलिटी में करने का, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। नाउ आर्टिकल बात करते हैं, सो इस पे हम आएंगे 12 पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 11 से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। कई बार आप जाते हो किसी रिलेटिव के यहाँ तो रिलेशन में दे गिव यू सम अमाउंट, राइट, या आप कहीं देते हो 1 रुपये वाला और लख वाला हम बोलते हैं, तो दैट इज शुभ और दिस शुभ इज 11, ठीक है, तो 10 से 11, 11 इज लख वाला 1, तो 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इसकी बात करता है, ये भी आया है, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, एंड साथ ही यूनियन स्टेट्स का आया है शेड्यूल 1 से भी, देखेंगे आगे। अभी चैप्टर 1 इज अबाउट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 245 टू 255, चैप्टर 2 इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, 256 टू 263। ओके, जो चीज़ याद रखनी है वो ये रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, किसमें है, पार्ट 11, पार्ट 12 के फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है, FPCS, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। फाइनेंस चैप्टर 1 में 264 टू 291, चैप्टर 2 बोरोइंग, आर्टिकल 292 टू 293, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज इज चैप्टर 3। फिर आ जाओ अपने ऑब्लिगेशन एंड सूट्स पे, इज 294 टू 300, एंड जो आया था दैट इज इन चैप्टर 4, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। देन ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल आर्टिकल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे इस तक है, राइट, सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट था, फिर ये बना लीगल राइट, ठीक है, दिस इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट कम हो गया जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया वहां से, तो राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 13 में, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है,
पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट 13 आर्टिकल 301 to 307। नाउ एक और हमने ये दिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का क्वेश्चन आया था, ठीक है, 17 पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज का आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन भी देखेंगे अभी आगे। कुछ चीज़ें मैंने उसके साथ डाली होंगी, कुछ चीज़ें पहले क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने साथ में ही डाल दी। सो ऑफिशियल लैंग्वेज चैप्टर वन इज लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन, स्पेशल डायरेक्टिव्स। क्या याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज किस में है, 17 में, साथ ही शेड्यूल में। 7 में क्या होता है, शेड्यूल वैसे हम देखेंगे, स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं वो हमें कवर करने होंगे, दिन इतने बचे ही नहीं है। सो शेड्यूल 7 में क्या है, लिस्ट, ठीक है, यूनियन या सेंटर, देन योर स्टेट लिस्ट, सेंटर स्टेट एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी, जिसमें सेंटर के जो टास्क हैं, जो इनके राइट्स हैं, जो जिस चीज़ पे एक्ट कर सकते हैं, इन इनका से है वो मिलेंगे स्टेट में उसका, कॉन्करेंट में दोनों। तो 7 शेड्यूल ये है। 8 इज अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, इंडिया की जो लैंग्वेज है उनके बारे में, 22 लैंग्वेजेस वो शेड्यूल में हम देखेंगे। बट ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन आया था जो कि इसमें है, पार्ट 17 में, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें क्या है, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सब। ओके, फंडामेंटल राइट, बाय फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट, मैंने बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी, यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट, ठीक है, 308। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स का इतना तो आपको याद रखना ही है, जितने ये ऊपर जो लिखा हुआ है ऐसे, ये वही है कि जो हमने पॉलिटी में देखा था, राइट, इंटरनल डिस्टर्बेंस, मैग्ना कार्टा बोला था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया पार्ट 3 एंड 3 को, ओके, द नाम रिबिलियन, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था उसको रिमूव कर दिया गया, किससे, रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रेबेलियन से। ओके, सो हम एक बार क्विकली देखते हैं, आपको डिटेल में सारे देखने हैं क्योंकि आर्टिकल 21 हम देख लेंगे, 21 से आया था क्वेश्चन, ठीक है, आ जाते हैं। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी, और ऐसे बहुत सारे आपके राइट्स हैं, राइट टू मैरी, राइट टू प्रिवेसी। ओके, तो आर्टिकल 21 इज इम्पोर्टेंट। हाँ एक बार ऐसे देख लेते हैं, ये राइट टू इक्वालिटी कहाँ से, 14 से 18, द 19 से 22, 23 से 24, 25 28, 29 30, 32 35, क्या मंत्र बोला मैंने, तो ये आर्टिकल के नंबर बोले हैं कहाँ से कहाँ तक कौन सा है, 14 से 18, 19 से 22, देखोगे तो रफली चार 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 ऐसे चल रहा है, बाद में फिर दो पे आ जाएगा, 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 25 से 28, 29 30, 32 से 35। ओके, नाउ कौन कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। अब इसमें बहुत सारे हैं, सामर्प हमने याद किया था, सा एम आर पी करके, ठीक है, स्पीच एसोसिएशन, असेंबली एंड ऑल, प्रोफेशन, तो ये आप देख सकते हो उसमें जाके पॉलिटी वाले में। तो राइट टू फ्रीडम 1922, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल है सब, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले वो दिए गए हैं, स्पीच एसोसिएशन, प्रोफेशन, ठीक है, मूवमेंट, ये सब, रेजिडेंस, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आफ्टर दैट उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो भी चाहते हो रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, देन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटी के एजुकेशन से रिलेटेड है इसमें कि किस तरीके से अपना प्रिजर्व कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं चीज़ें, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है पॉलिटी में, तो यू कैन वॉच राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ 73rd एंड 74th, इस पे इसको भी कर लेते हैं। 73rd इज जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था, इज अबाउट पंचायती राज, एंड 74th इज अबाउट म्यूनसिपैलिटीज,
ये भी हमने पॉलिटी में ही, मैंने उसकी स्लाइड्स ली हुई हैं, ठीक है, इसलिए आपको दिख रहा होगा इस पेन में चला रखा है, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट ही ऐसे अमेंडमेंट्स लिए थे जो इंपॉर्टेंट है, 73rd, 74th, 42nd, 44th, ठीक है, इस तरीके से 101, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सब लिए थे, 86 आपको दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको डिटेल में ज़्यादा देखना है तो यहाँ पे हम बस जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं चीज़ें जिनमें से आपको ज़्यादा फ्रूटफुल हो सके। सो 73rd अमेंडमेंट इज 1992 का ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किसके बारे में, सीधी बात भाषा में हम बात करें तो पंचायती राज, ये इतना याद रख लेना आप, 73rd पंचायती राज, 74th म्यूनसिपैलिटीज। बाकी किसमें ऐड हुआ है अमेंडमेंट, हैज न्यू पार्ट 9, ठीक है, एंटाइटेड एज पंचायत, एंड शेड्यूल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज 11th शेड्यूल में है, 29 आइटम्स, हमने उसमें ये भी बात की थी 29 में क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, 11th नहीं आना चाहिए, मतलब होपफुली 11th शेड्यूल ऐड हुआ और इसमें 12th, एक एक का ही चलेगा इनमें, ठीक है, डिफरेंस 73rd, 74th, ठीक है, 73rd, 74th, 11th एंड 12th शेड्यूल ऐड हुआ, पार्ट 9 में ऐड पंचायत एंड पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, 9B कॉपरेटिव्स, कॉपरेटिव्स की हमने बात की थी उसमें पॉलिटिकल लेक्चर्स में, ठीक है, तो दिस इज अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, 9A इज दी म्यूनसिपैलिटीज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 73rd, 74th, 11th शेड्यूल ऐड हुआ, 12th शेड्यूल ऐड हुआ, क्या चीज़ है उनमें, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज, पार्ट 9 पंचायत, 9A म्यूनसिपैलिटीज, 9B कॉपरेटिव्स, ओके, यहाँ लिखा हुआ है 101 इज GST, ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देन योर 9B इज कॉपरेटिव, ओके, 86 अमेंडमेंट, सो मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, किसमें, आर्टिकल 200A, 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A में एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हम बात भी कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, सो दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, अब इसमें एज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है इसमें एज, 6 to 14, इसमें भी दिया होगा कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 years, ठीक है, इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन, ओके, 21A में है एलिमेंट राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A, एज 6 to 14, चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन डीपीएसपी, डीपीएसपी में भी ऐड हुआ था, इसमें क्या एज 6 तक कर दिया, इसमें है 6 to 14, डीपीएसपी की बात करें तो अप टू 6, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है, जब तक 6 years के वो होते हैं तब तक का डीपीएसपी 6 to 14 इज एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि है आर्टिकल 21A, जो कि है 86 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ और एक फंडामेंटल राइट है, 86th अमेंडमेंट एक्ट, और क्या इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई, एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी 51A, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है 51A, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड, कहाँ से कहाँ तक, अगेन 6 to 14, क्या क्या देखा हमने 86th में, 21A जिसमें है एलिमेंट्री एजुकेशन और एक फंडामेंटल राइट है, एज क्या है 6 to 14, फिर हमने देखा आर्टिकल 45 वाला डीपीएसपी जिसमें क्या था अर्ली चाइल्डहुड केयर वगैरह जो स्टेट करेगा, एज कहाँ से 6 तक, ठीक है, एज ऑफ 6 years जब तक कंप्लीट होती है, एंड हमने देखा 51A जिसमें क्या है अगेन 6 to 14, जो कि ड्यूटी किसका है, जो भी पेरेंट है गार्जियन है उनका एजुकेशन प्रोवाइड करना, कहाँ से कहाँ तक, 6 to 14, ओके, सो दीज आर दी अदर क्वेश्चंस, आगे हम चलते हैं और भी आगे, विन बैक्स, विन बैक्स कि हम बात करेंगे, अपने इसमें भी था जो बुक मैं बता रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, इसमें भी आपको मिलेगा, देखेंगे हम नेक्स्ट में भी, बाकी आपको दिख रहा होगा यहाँ लास्ट जो लिखा है विन बैक्स।
नॉट यार, ये रहा विनबैक्स, इंडिया एंड वियतनाम, जो कि वियतनाम में हुआ। तो हम देखेंगे नेक्स्ट में बुक का एड, ऑलरेडी टोल्ड यू जो आ रहा है वो एड, उसमें फोन नंबर होगा, इफ़ यू वांट दी बुक व्हाट्सएप करना है। ओके सर, एंड इनके क्वेश्चन जो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट में वी विल मूव फॉरवर्ड इन क्वेश्चन के साथ और जो बाकी क्वेश्चन हैं। IPKF इज़ वेरी बेसिक इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, तेजू एयरपोर्ट भी न्यूज़ में था, विनबैक्स इज पता ही चल रहा है वियतनाम का साथ जो एक्सरसाइज होती है अपनी, देन कलमकारी आर्ट आर्ट से पहले भी है, मधुबनी पहले आया हुआ है, ठीक है। सो जहाँ पे कलमकारी आंध्र प्रदेश, इंडो पाक वॉर कौन से में हुआ, तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे ऑलरेडी, बट वैसे कब कब हुआ है नेक्स्ट में हम बात करेंगे, बट 47 में तो अपन ने किया ही है, ठीक है। उसके बाद 62 में चाइना के साथ हुआ, फिर 65 में पाकिस्तान को लगा भैया हम भी करेंगे, 71 मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश, देन 99 कारगिल ऑपरेशन, कारगिल वॉर। ओके सो नेक्स्ट में अच्छे डिस्कस करेंगे हम, दैट्स इट टुडे, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। आपको अगर क्वेश्चंस पता है और आपका ऑलरेडी हो गया है तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चंस बता सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में ही पिन कर दूंगा उन्हें फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके सो दैट्स इट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।